माशाल्लाह फखर ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स के लिए टीम को मैच जिता दिया। ये सबसे अच्छी बात ये थी कि आखिर तक खेला है और उसके साथ रिजवान का बड़ा अच्छा दोनों ने मिल के काफ़ी अच्छी टीम को एक अच्छी जीत दिला दी। तो फखर को फिर काफ़ी ज़्यादा क्योंकि शुरू से आखिर तक और ये अफकोर्स माशाल्लाह आज फखर भाई की इनिंग्स देख के मुझे भी थोड़ा टेम्परमेंट आया। जिस तरह उन्होंने माशाल्लाह ये मैच फिनिश किया, पहले 50 ओवर फील्डिंग करना और फिर 40 ओवर तक बैटिंग करना, इतहाई मुश्किल काम होता है। 98 ओवर तक ग्राउंड में रहना बहुत मुश्किल काम होता है। जिस तरह की इनिंग्स के लिए वाकई आज उन्होंने याद दिलाया कि हम उससे फौजी क्यों कहते हैं। बहुत मज़ेदार इनिंग्स, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। जिस तरह उन्होंने ये इनिंग खेली और फिनिश करके एट द एंड तक वो अपने क्रीज पे रहे और जो रिक्वायर्ड था रन रेट के लिहाज से उस तरह प्रॉपर बैटिंग करते रहे। काफ़ी इंजॉय किया उनकी बैटिंग को। आई थिंक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग्स था क्योंकि जब आप बाहर बैठ के देख रहे होते हो इस तरह की बैटिंग हो रही होती है, मैंने तो खुद बहुत इंजॉय किया। लाइफ में ऐसे बहुत कम इनिंग्स होती हैं जो आप लाइव अपने आंखों से देखते हो और उसके बाद जिस तरह मैच फिनिश किया तो आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग्स था। इनिंग्स के बारे में तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा कि जिस तरह इनिंग्स खेला है फखर जमान, बल्कि मैं क्या उसकी तारीफ करूँ, पूरा पाकिस्तान इस चीज़ को गवाह होगा इंशाल्लाह। मगर थोड़ी सी जॉगिंग ये है कि जिस अंदाज में वो खेला है, जिस सेंसिबिलिटी के साथ वो खेला है, ये एक्सपेक्टेशन हमारी उनसे ही नहीं है, जस्ट जॉकिंग फॉर फखर जमान के लिए, क्योंकि हम हमेशा हमने देखा है कि उसने ऐसी स्टेज में आके लंबी इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के लिए। आज फिर उसने प्रूव किया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीज़ें फखर जमान की।